मैंने लॉस एंजलिस में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। 6.6 तीव्रता का भूकंप आया है। 1994 में लॉस एंजलिस में आए जबरदस्त भूकंप से अफरा तफरी मच गई थी और अंधेरा छा गया था। खिड़की से बाहर आपको घुप अंधेरा दिखेगा। ब्लैकआउट के दौरान कई लोगों ने ऑब्जर्वेटरियों को फोन कर डाले, इमरजेंसी नंबर 911 को भी। इसलिए नहीं कि धरती हिल रही थी, इसलिए कि उन्हें आसमान में एक विशाल चमकीला बादल दिखा था। वो बादल दरअसल आकाश गंगा थी, अनगिनत तारे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। लाइट पॉल्यूशन भी एक किस्म का प्रदूषण है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। दुनिया में आनुपातिक बदलावों के लिहाज से देखें तो रात के भीतर इस रोशनी का आगाज बायोस्फीयर में हमारे किए गए सबसे नाटकीय बदलावों में से एक है। ये है क्रिस्टोफर कीबा। ये शहरों के कृत्रिम प्रकाश और उसके प्रभाव पर शोध करते हैं। आज दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी को अंधेरे आकाश का कोई अनुभव नहीं है। मिसाल के लिए सिंगापुर में रातें इतनी चमकदार होती हैं कि लोग अंधेरे के बारे में अपना विजन बना ही नहीं सकते। आज वैज्ञानिक रात में आर्टिफिशियल लाइट के खतरों के बारे में आगाह कर रहे हैं। मुझ पर मानसिक तौर पर असर पड़ा, तभी मैंने इस मामले को उठाने का फैसला किया। ये नीलेश देसाई हैं, भारत के एक एक्टिविस्ट। उनका लक्ष्य है रात के प्रकाश में कटौती। वैज्ञानिक अब रात के कृत्रिम उजाले को प्रदूषण का एक रूप मानते हैं। During the entire development, बहु कोशिकीय जीवों, पौधों, जंतुओं, स्तनधारियों, वानरों और मानव के समूचे विकास के दौरान पर्यावरण से लगातार एक सिग्नल मिलता आ रहा है। ये दिन है, ये रात है, ये चंद्रमास है। लेकिन तेज लाइट पोल्यूशन वाले इलाकों में वो सिग्नल नाटकीय रूप से बदलता जा रहा है। That signal is effectively has been dramatically changed. पिछली सदी के दौरान हुए औद्योगिकीकरण ने इस नकली जगमगाहट को तेज कर दिया है। दुनिया में रोशनी ज्यादा चमकदार होती जा रही है। इस नक्शे के सभी बैंगनी बिंदु प्रकाश के उन स्रोतों को दिखाते हैं जो भारत में 2012 से 2016 के दरमियान लगाए गए थे। लाइट प्रदूषण अलग ढंग से होता है। एक है ग्लेयर, यानी कौंध, जब बहुत ज्यादा चमकदार रोशनी से देखने में दिक्कत आती है। एक है क्लटर, चमकदार उजालों का ढेर, प्रकाश अतिक्रमण, खामखा की रोशनी और रात में आसमानी जगमग, जब शहरों में रात का आसमान नकली प्रकाश से नहा जाता है। ये भयानक है। ये एक विशाल आसमानी जगमग है। आप देख सकते हैं पूरी मुंबई पर पसरी हुई नारंगी रोशनी, वायु प्रदूषण से भरी हुई। नीलेश के अपार्टमेंट से ये नजारा दिखता है। आसपास की सड़कों और नजदीकी स्टेडियम की रोशनी सीधे उनके अपार्टमेंट पर पड़ती है। आधी रात तक लाइटें ऑन रहती थीं, कभी कभी 3 बजे सुबह तक। मैं उन लाइटों से होने वाली समस्या का आदी हो चला था। कमरे में बिस्तर पर गिरती चमकदार रोशनी का मुझ पर तो असर होता ही था, नींद भी नहीं आती थी। पर्दे और नींद के मास्क भी काम ना आए तो 2018 में नीलेश ने अधिकारियों से शिकायत की। उन्होंने अपने अंधेरे के अधिकार का दावा किया। पहले तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि अध्ययन बताते हैं कि नकली उजाले का संबंध आंख के घाव, अनिद्रा, मोटापे और शायद डिप्रेशन से है। शिफ्ट में कार्यरत कर्मचारियों के बारे में कुछ अध्ययन दिखाते हैं कि रात के समय प्रकाश का अनुभव ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम बढ़ा सकता है। हमारा दिमाग एक हार्मोन पैदा करता है, मेलाटोनिन। स्तनधारियों में वो अंधकार का सूचक है और जब हमें वो हार्मोन नहीं मिलता, जब हम वो हार्मोन नहीं बना पाते क्योंकि हमें इतने ज्यादा उजाले में रहना पड़ता है, तब हमें समस्या होने लगती है। हमारी जैविक घड़ी का कामकाज गड़बड़ाने लगता है। नींद, पाचन और ब्लड प्रेशर इसी बायोलॉजिकल घड़ी से निर्धारित होते हैं। समस्या सिर्फ चमक की नहीं, रंग की भी है। फोन, पर्दों और LED की ब्लू लाइट भी दिन की रोशनी जैसी होती है। आमतौर पर लाइट मेलाटोनिन नहीं बनने देती, लेकिन स्क्रीनों और LED की ब्लू लाइट और ज्यादा ताकत से ऐसा कर सकती है। इसीलिए हॉवर्ड के विशेषज्ञ बिस्तर पर जाने से 2 या 3 घंटे पहले चमकीली स्क्रीन या LED लाइटों से बचने की सिफारिश करते हैं, या हल्की रोशनी या हल्के रंग का उपयोग करने को कहते हैं। रात की रोशनी से सिर्फ हमारी सेहत को खतरा नहीं है। रात की और चमकीली होती लाइट बड़ा बदलाव लाती है।
ये इवोल्यूशन में नई चीज है। सिबिले श्रोयर बर्लिन स्थित लाइबनिस इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर इकोलॉजी एंड इनलैंड फिशरीज में इकोसिस्टमों पर लाइट के असर के बारे में रिसर्च करती हैं। लाइट न्यूट्रल नहीं है, लाइट का असर पड़ता है। अंधेरी रात के बदले रोशन रात में कोरल, चिड़िया और वन्य जीवन की बहुत सी अन्य प्रजातियां भी जद्दोजहद कर रही हैं। कछुओं को समंदर में लौटना है, लेकिन तटों के करीब गिरती रोशनियों से वे भटक सकते हैं। वे जमीन की ओर चले आते हैं और मारे जाते हैं। रात की नकली रोशनी ने कीड़ों की आबादी भी कम कर दी है। एक अध्ययन कहता है कि अकेले जर्मनी में संख्या की गिरावट हर गर्मी में 100 अरब की है। ये रोशनी रात में होने वाली पॉलिनेशन गतिविधियों को भी कम करती हैं। एक ब्रिटिश अध्ययन ने पाया कि जहां कहीं भी रात को लाइटें जलती हैं, वहां पेड़ जल्दी उगने लगते हैं और देर से पत्तियां गिराते हैं। एक साथ मिलकर ये सब पर्यावरण पर असर डालते हैं। शिकारी जानवर बेहतर शिकार कर सकते हैं क्योंकि वे बेहतर देख सकेंगे, लेकिन अन्य प्रजातियां अंधेरे में ही रहेंगी, जैसे छोटी प्रजातियां, और इससे शिकारी शिकार संबंध गड़बड़ा जाता है और समूचा इकोसिस्टम बदल जाता है। जब से सस्ते और टिकाऊ प्रकाश के स्रोत आए हैं, दुनिया साल दर साल और जगमगाने लगी है। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन का अंदाजा है कि अमेरिका में एक तिहाई आउटडोर लाइटिंग बेकार चली जाती है। यूं तो फॉसिल ईंधन अभी भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, लेकिन उससे वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को बल मिलता है। तो व्यक्तिगत तौर पर हम क्या करें? बात जाहिर सी लगेगी, लेकिन लाइट तभी जलाएं जब और जहां उसकी जरूरत हो, और फिर उसे बुझा दें, या उसे ऑन ऑफ करने के लिए कोई सेंसर लगा दें। जैसे अवांछित प्रकाश से बचने के लिए लैम्प शेड का इस्तेमाल कीजिए, वार्म लाइट का उपयोग कीजिए, वो भी असरदार होती है। इंटेंसिटी को जितना मुमकिन हो सके कम रखें, बस एक ही बात, डिम लाइट। तमाम शहर बल्कि तमाम देश ये तरीके आजमा सकते हैं, जैसे फ्रांस ने स्काई बीम पर रोक लगाई और कुछ जगहों पर टाइम सेट किए। सार्वजनिक स्थानों पर लाइटें डिम या बंद हुई। इकोलॉजी के लिहाज से संवेदनशील जगहों में लैंपों की चमक घटाई गई। मुझे डर है कि लोग ये नहीं जानते कि ये एक गंभीर मुद्दा है। लाइटें कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, इसे लेकर नियम कायदे होने चाहिए। नीलेश देसाई जैसे नागरिकों के विरोध के बाद मुंबई के राजनीतिज्ञों ने लाइट पॉल्यूशन में कटौती का समर्थन किया है। उन्होंने भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से कानून बनाने की मांग की है। नीलेश चाहते हैं कि आकाश गंगा को निहारने के लिए मुंबई वासियों को किसी रोज बल्कि किसी रात भी ब्लैकआउट की जरूरत न पड़े।